दोस्तों आज की अपडेट काफ़ी इमोशनल होने वाली है। दरअसल BTS मेंबर्स इस समय मिलिट्री में सर्व कर रहे हैं, तो उनका कम्युनिकेशन अपनी BTS आर्मी के साथ में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लगभग ना के बराबर। इसी बीच BTS आर्मी के लिए कुछ होप्स लेकर आता है द कैंप ऐप। अब आखिर द कैंप ऐप है क्या? जिसको नहीं पता उसको बता दें कि द कैंप ऐप उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग मिलिट्री में सर्व करते हैं। इस ऐप पर उनकी प्रोफाइल को बना दिया जाता जिससे कि वह लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड से कॉन्टेक्ट कर सके। जब काफी सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते तो उनके फैंस उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इस ऐप पर अपने आइडल्स को मैसेज और लेटर्स लिखा करते। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि BTS मेंबर्स की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में लगभग सबसे ज्यादा होगी, तो इसी बीच BTS के लाखों करोड़ों फैंस इस ऐप के जरिए अपने आइडल्स को मैसेज और लेटर्स लिखने लगे। अब जैसे ही इस ऐप पर इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ तो द कैंप के CEO ने क्या किया, इन्होंने काफी सारी चीजों को पेड कर दिया जिससे कि वह तगड़ा पैसा छाप सके। पर दोस्तों जैसे ही ये बात बिगिन म्यूजिक को पता चली वह तुरंत ही इसके अगेंस्ट हो गए। अब दोस्तों बिगिन म्यूजिक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि BTS के सारे राइट्स बिगिन म्यूजिक के पास हैं, वह किसी और को BTS से कैसे कमाई करने दे सकते हैं। ठीक इसी वजह से उन्होंने BTS के मेंबर्स का नाम इस ऐप से हटवा दिया, और अगर सारे मेंबर्स इस ऐप पर बने रहते तो व्यूअर्स वालों का भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी अपडेट समझ में आ चुकी है। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अगली वीडियो हम BTS और बिग बॉस पर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।